large area under miscellaneous question from NCR जो किसी टाइप में नहीं आते फिर भी आपको करने पड़ेंगे. जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y is equal to sin x and y is equal to cos x and find the area of the region and x is equal to 0, x is equal to pi by 2, find the area enclosed between them and close between them एंड एक्स एक्सिस. लो जी ये आया आपका साइन एक्स का ग्राफ, 0, 90, pi, 3 pi / 2, 2 pi और ये आ गया कॉस एक्स का ग्राफ. ठीक है जी ध्यान से देखो साइन और कॉस की जब टेबल देखोगे पाई बाय फोर पे दोनों की वैल्यू सेम आती है यानी वहां पे उनका इंटरसेक्शन है. तो ध्यान से देखो कर्व में पहले क्या है साइन एक्स डी एक्स उसका लिमिट है 0 to π/4 देन π/4 to 90 उससे आगे क्या है कॉस एक्स का ग्राफ बस खत्म इंटीग्रेशन करेंगे. कॉस का क्या हो गया साइन एक्स. कॉस π/4 - cos 0 sin 90 - sin π/4 1/√2 - 1 1 - 1/√2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा twice of 1 - 1/√2 square units. बहुत पुराना क्वेश्चन है ये बहुत पुराना क्वेश्चन करो जी नोट. करो जी नोट करो पॉज द वीडियो एंड कॉपी. ठीक है जी आई होप आपने नोट कर लिया होगा. आई अगेन रिपीट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. Find the area under the curve y is equal to x cube and y is equal to x. तो जी क्यूब वाला फिगर होता है ना स्नेक टाइप होता है सिमेट्रिकल अबाउट लाइक दैट. ये लाइन है y is equal to x ये तो ऐसे गुजर जाएगी और
ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की एक वैल्यू 1 होगी, एक वैल्यू माइनस 1, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ 1 0, यहाँ पे हुआ माइनस 1, बस सिंपली वैसे ही कर देंगे। ऊपर से क्या जा रही है लाइन, नीचे से क्या जा रहा है कर्व, एक तरफ का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर। देखो जी मैंने इतने सारे टाइप्स आपको करा दिए, अब आप पे है आप कैसे करते हैं। वन बाय टू माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर टोटल एरिया, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। लो अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल, पहले फिगर के लिए सर्कल लिख लेते हैं। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी सेंटर ऐसे केसेस में क्या होता है 0 0, आर स्क्वायर 32, आर हो गया प्लस माइनस 4√2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा है, वाई क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है जी। लो जी सर्कल आ गया, फोर रूट 2 0,
ठीक है जी। लो जी, लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, जहाँ सामने इंटरसेक्शन वहाँ x की वैल्यू 4 है। ये पोर्शन तो कहाँ तक आ गया, लाइन के नीचे, और ये वाला किसके नीचे आ गया, सर्कल, ठीक है जी। तो दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, ऐड। उसने बोला है एनक्लोज ऑन x एक्सिस बाय लाइन एंड सर्कल। तो पहले तो लाइन की नीचे है 0 to 4, फिर 4 से 4 root 2। I1 very easy, -16 I2 x2 a² / 2 4 root 2। ये अंदर रूट 32 - 32 ही आ जाना है, ये हो गया 16 4 root 2, अंदर आ गया 16, और यहाँ 16 साइन इनवर्स 1 by √2। लो ये तो आपका इसके साथ ही है ना, ये तो वैसे ही 0 हो गया, यहाँ आ गया 16 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2। होगा 4π - 8, दोनों को जोड़ देंगे, देयरफॉर टोटल एरिया I1 + I2 4π + 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, करो। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
equal to 1, between x is equal to 0 and x is equal to a. e जो होता है that is approximate 0.7 होता है और situation दे रखी है b square is equal to a square e square minus 1 e is less than 1 जो e होता that is 0.7 ellipse बना लेते हैं a 0 ये जैसे 1 है पूरा तो 0.7 कहां पर होगा यहां पर होगा bounded between 0 and a ठीक है जी लो एरिया ऑफ द रीजन y dx लिमिट इज a टू b b बाय a limit is 0 to a okay ji a e by 2 a square minus a e bachega अंदर लगा रहे हैं लिमिट 0 ये तो वैसे ही खत्म हो गए लो b by a a e by 2 a square भाग r आगे e हो जाएगा अंदर हो गया 1 minus e square लो वो तो वैसे ही खत्म हो गया ठीक है जी b by a अंदर से a square कॉमन आ जाएगा e by 2 a b by 2 square here. Look. ठीक है जी चलें आगे pause the video and copy the answer find the area of the circle x square plus y square is equal to 16
16, which is exterior to the point, to the parabola. Y square is equal to 4x. लो जी, पॉइंट वन में तो आपका बनेगा सर्कल. सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0. रेडियस क्या है? सॉरी, रेडियस हो जाएगी 4 0. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बार एक्सटीरियर का पूछ रहा है एरिया. ठीक है, यानी कि ये एक्सटीरियर, यानी ये एरिया की बात हो रही है पीछे वाली. ये निकालना है तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर उसको पूरे एरिया में से सर्कल के माइनस करना पड़ेगा, तभी आएगा. तो सबसे पहले ठीक है जी, वही पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. जैसे ये देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. लो जी, ठीक है जी, चार के ऐसे फैक्टर जो 16 बनाए, चार के फैक्टर जो 16 बनाए, y स्क्वायर इक्वल 6x. सॉरी, आठ एक्स अब ये माइनस रेट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइनस रेट यहां तो आएगा नहीं. तो पॉइंट बनना, जैसे हम क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व करते हैं वैसे ही करो. लो जी, एरिया सबसे पहले पैराबोला एंटर कर देना, लिमिट है उसकी 0 से लेकर 2 तक, रूट 6x रूट एक्स डी एक्स. उसके आगे चले जाएं, टू टू हो जाएगा 2√2, यानी 4√12/3, 4 2√3/, यानी कि 8√3. अब आ जाओ आई टू के ऊपर. इनवर्स 1 बचेगा, लो जी यहाँ 8π/2 बचा इसमें से, ये 16 में से 4 गए 12, -√12 -8 1/2 यानी 5/6, 4π -√3, लो 4π/3 3 6 12, ये बचा 8π/3 -√3. ठीक है जी, देयरफॉर टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, I1 + I2, ठीक है जी. अब एक्सटीरियर टू पैराबोला, टू पैराबोला एरा एरिया, लो जी
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 16 पाई माइनस ये हो गया आपका 16 पाई बाय रूट थ्री माइनस 4 रूट 3, ठीक है जी। ये 16 रूट 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 16 में से 12 गए 4 बाय रूट 3, अड़तालीस में से 16 गए 32 बाय 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। दो क्वेश्चन रह गए, फिर काम ही खत्म, एरिया खत्म हो जाएगा दो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। लो जी, पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू, ए बाय रूट टू इज इक्वल टू, अगर आप निकालते हो तो टू का स्क्वायर रूट होता है 1.41, ध्यान से देखा जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 1.41 0.709, ठीक है जी। सर्कल सेंटर 0 0, रेडियस होगी ए 0 माइनस ए 0, पॉइंट ये ए तक है तो 0.709 यानी 0.71 ए यहाँ आएगा, यानी a बाय रूट टू यहाँ आएगा। जो एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट का निकालना है, स्मॉलर पार्ट ये होगा जो मैंने शेड कर दिया, ठीक है जी। एरिया ऑफ द रीजन a बाय रूट टू ए
ए रख दे, ये पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बचेगा ए बाय स्क्वायर बटू साइन इनवर्स वन यानी 5/2। ए स्क्वायर बाय साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/4। पाई ए स्क्वायर बाय फोर माइनस, ध्यान से देखो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए आएगा, ये √2, ये भी 4 हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 8। तो सिंपलीफाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, बट टोटल निकालना है हमने, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर चलो जी, कहानी खत्म होती हुई। ध्यान से दो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इनका निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि लिख दिया मैंने, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लो जी वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 4। अब क्या करो, इसकी भी नेगेटिव वैल्यू डालो राइट पे, लो माइनस 2 रखो, माइनस 12 माइनस 6, माइनस 6 माइनस माइनस 0 रखेंगे तो 0, 6 रखेंगे तो 0, 6 क्या
follow this. Negative value रखो कुछ कुछ positive रखो, ये figure create करने का तरीका होगा, ठीक है जी। right वाले में रखते जाएंगे, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर क्या हो गया माइनस वन रखेंगे तो वन प्लस टू से जीरो, वन रखा जाए टू रखा तो फोर माइनस फोर जीरो, छोड़ दे माइनस वन पर माइनस जीरो पर जीरो, टू पर सिक्स भी रख लेते, हमें ये भी देखना था गुजरेगा कहाँ से, सिक्स पर जीरो क्योंकि यहाँ पर इसको कट भी तो चलवाना है, सिक्स पर जीरो ठीक है जी। सिक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरे पे आ जाओ, माइनस टू पर एट, माइनस टू पर माइनस वन पर थ्री, जीरो पर जीरो, वन पर माइनस पे फिर जीरो। अब ऐसे मिलाओगे चार के सामने इंटरसेक्शन हो रहा होगा, जीरो पे तो आ ही गया था इंटरसेक्शन, लो जी ये शेडेड पोर्शन ऊपर वाला हो गया सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ऊपर वाले में से नीचे वाले को लिमिट इज जीरो टू फोर, जहां का इंटरसेक्शन होता वही लिमिट होता, आंसर निकाल देना इसका सिक्स की फोर बाय थ्री। फाइनली एंड हो जाता है यहां पर एरिया का, एरिया यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नजर भी आ जाए आगे पीछे करके तो बेसिक्स यही लगाना और आपको हाथों हाथ आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, देखा है तो डेफिनेट फिनिश हो जाता है।